तो यहाँ पे है भाई का घर। भाई कब लिया आपने घर? अभी ये दिवाली पे लिया था, अक्टूबर में। यार मुझे ये बताओ आप, ये घर कितने का आपने लिया? ये उस टाइम थी हमारे दोनों के अपने ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी आप चलाते हो दोनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया आज है मेरे साथ मनप्रीत। आप लोगों को याद होगा भैया, मैंने मनप्रीत के साथ पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, दो बार वीडियो बना चुके ना हम लोग। और मनप्रीत है जो भैया ट्रक चलाते हैं अमेरिका के अंदर, सब जगह पे चला चुके, सारी जगह। कोई बचा है ऐसा स्टेट जहाँ पे ना चलाया हो? नहीं, उसके बाहर ही बचा, जो कनाडा वगैरह ही बचा है अभी तो फिलहाल तो। तो भाई ये है ना, सब जगह पे जाके अपना ट्रक चला चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो ट्रक ड्राइवर है ना, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पे है भाई का घर और वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है। और ये यहाँ पे मेरी बाइक क्यों खड़ी हुई है, जो इसके बाद वीडियो आएगी ना आप लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो अभी फिलहाल ये आप लोगों को घर दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो है भाई का नेबरहुड है। भाई कब लिया आपने घर? अभी ये दिवाली पे लिया था, अक्टूबर में। अक्टूबर में दिवाली पे लिया था आपने? बिल्कुल। तो ये मतलब ब्रांड न्यू घर है पूरा। मेरे को लग रहा है कि जितने भी मेरे को दिख रहे हैं सब एरिया, ये सारे ब्रांड न्यू है। सामने बने थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्लोजिंग हुई सब। अच्छा, पूरी की पूरी गली इस इधर की ऐसे ही बनी। तो यहाँ पे देखो अभी आ रहे हैं ये मेल मैन। तो ये इस तरीके के सबके घरों में जो मेल पहुँचाते हैं, जो लेटर वगैरह है ना, तो सबके घर में लेटर वगैरह इस तरीके से देते हैं ये मेल। आज आपकी भाई कोई मेल नहीं आई? ना, अच्छा है। बल्कि मेल आती है ना, मेरे को तो टेंशन होती है, बिल ही आते हैं। लव लेटर होते ना, अमेरिका लव लेटर भेजता है। हाँ, वो बिल वाले के, लो भाई ये वाला बिल है। तो अच्छा, ये कितने बेडरूम का आपका है घर भाई? ये है 5 बेडरूम। 5 बेडरूम है, 2.5 बाथरूम है। अच्छा चलो भाई, फिर अंदर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो गैराज है भाई का। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है? दो गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती हैं। तो खोलो भाई, दिखाते हैं। वही वाला खुल जा सिम सिम वाला, खुल जा सिम सिम। आराम से यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हो गई। और कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है घर ये? मतलब कि लॉट तो मतलब कि 12,000 का है जैसे, ते और बाकी जो है 31 मेरे ख्याल से 3100-3150 स्क्वायर फीट का है। कितने का है ये? 3150 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट, मतलब कि 32 हो जाता है। अच्छा, 0.1 का ही फर्क होता है जैसे। तो देख लो यार, इतना बड़ा घर है। और ये मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब भाई आए थे ना तो इन्होंने मुझे बताया था कि जब ये अपने घर से आए थे तो भाई कितने डॉलर आपके पास थे? मेरे पास मैं घर से $500 मतलब लेके आया था, लेकिन वो 15 दिन में भी वापस कर दिए थे। और जो फ्लाइट की टिकट थी वो भी, उसको भी कमा के मैंने उसी टाइम 15 दिन में वापस कर दिया था। देख लो यार, $1,500 लेके बंदा आया था अमेरिका में और आज कितना बड़ा घर बनाया हुआ है। बट बंदा मेहनत बहुत करता है। अच्छा यार मुझे ये बताओ आप, ये घर कितने का आपने लिया? ये उस टाइम 3.85 मतलब जैसे 3,85,000 जो भी आज का रेट चल रहा है ना, तो उससे आप लोग लगा लो तो मतलब मोटा मोटा 2 करोड़ से ऊपर का घर है। ऊपर ही आएगा। तो 2 करोड़ से ऊपर का घर है। और भाई जब आए थे तो $1,500 लेके आए थे और आज देखो कि भाई ने अपने दम पे मेहनत करके यहाँ पे घर लिया है। और इन फ्यूचर भाई और भी घर लेने वाले हैं, वो आप लोगों को आने वाली वीडियो में दिखेगा। अच्छा, जल्दी से जल्दी आएगा वो कहानी। घर घर के जैसे एंट्री होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके आइए। तो ये देखो भाई ने ना चप्पल और उतार दिया जैसे अपने इंडियन घर में होता है। तो ये तो था मेन डोर, अब क्लोज कर दिया है। तो अभी उधर का एरिया आपको दिखाएंगे। तो ये है पहले भैया बेडरूम, ये मेरी मॉम का बेडरूम है। अच्छा, और अभी आप लोगों को मिलाएंगे, मनप्रीत की जो है मम्मी भी आई हुई है इंडिया से, तो उनको उससे भी मिलवाएंगे। तो ये है बेडरूम, ये मेरे को इंडियन वाला लग रहा है पूरा। हाँ, ये इंडियन ब्लैंकेट है। ये कहाँ से मिला ये इंडियन ब्लैंकेट? इंडियन स्टोर है, इंडियन स्टोर से लाए हो। मम्मी का रूम है ना ये, नीचे का मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम काफी अच्छा साइज है, स्टोरेज भी और साथ में मतलब बाथरूम भी अटैच है। नीचे का ये अलग है, गेस्ट वालों का भी अलग से आता है, मतलब जो वो हाफ बाथरूम अलग है। अच्छा, तो अभी जैसे ये बेड देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग अलग साइज के बेड आते हैं। ये है क्वीन साइज बेड बोलते हैं इसको, तो क्वीन साइज बेड भी काफी बड़ा होता है, 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। इससे छोटा भी होता है और इसे बड़ा किंग साइज बोलते हैं। कि यहाँ से ना बाहर का व्यू दिख रहा है, जो कि सामने अगर आप इसको ब्लाइंड्स को खोलोगे तो सामने घर दिखेंगे आपको। तो अच्छा है यार ये नज़ारा। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कि ये ब्लाइंड्स वगैरह मैंने लगाए थे। अच्छा, ये भी मैंने लगाए, ये अलमारी भी मैंने मतलब अमेजोन से मंगाई थी, उन्होंने पट्टे दिए थे।
तो असेंबल वगैरह सब खुद ही कर लिया। हाँ, ये बाथरूम का भी सारा का सारा जो है। तो भाई मनप्रीत ट्रक ड्राइविंग के साथ में अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने वाले हैं। ये भी है, बाकी एक ये स्टोरेज है साथ में दे रहे हैं। अच्छा, ये हो गया इधर का। ये प्ले रूम है, बड़े से जिम रूम बना दिया एक तरफ। आप इसको जैसे भाई ने जिम बनाया हुआ है, भाई बॉडी तो दिखा दो। नहीं, डोले शोले। तो जब भी भाई अपना ट्रक वगैरह चला के आते हैं यहाँ पे, तो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी का कुछ बना हुआ है ऐसा जिम वगैरह उनका? नहीं, भी अपना पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, मतलब कि कम्युनिटी वालों के लिए। उसमें एक कार्ड होता है, वो कार्ड दिया हुआ है, वो अटैक मतलब कि जब पंच करते हैं तो उसी कार्ड से ही मतलब अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, अभी आप लोगों को दो रूम दिखा दिए, ये वाला जो एरिया है, बाकी ये स्टोरेज है एक ये। अच्छा, इधर की ये ठीक है, जैसे घर के अंदर आए तो अपना कोट वगैरह हैंगर के लिए ये यहाँ पे टंगा दिया। मैंने यहाँ पे अपना हेलमेट रख दिया था आने के बाद। ये हाँ बाथरूम है, ये जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए बाथरूम है ये अलग से। ठीक है, यहाँ से ये जो मतलब कार सीधी अंदर और यहीं से एंट्रेंस है। तो भाई ये पंजाबी में क्या लिखा हुआ है कार के ऊपर? ये मतलब नंबर प्लेट है मापियो, मॉम एंड डैड। अच्छा, तो भाई ने स्पेशल नंबर प्लेट ली हुई है, जैसे मैंने शंटी लिया हुआ है तो भाई ने मापियो। और अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पंजाबी में, कर हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, वो गाना सुन लिया था क्या? कर हर मैदान फतेह, सब पूरी बैटल जीते आ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो आगे की बैटल भी जीतेंगे। बिल्कुल, साथ में ये है, ये अच्छा सॉफ्टनर लगवाया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये इसका मैं आपको बताता हूँ, ये वाटर सॉफ्टनर है। इसके अंदर मतलब जो कभी क्या होता है, कई अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड है। हाँ, ये देने के इसके अंदर क्या करते हैं लोग, ये वाटर सॉफ्टनर है, जैसे यहाँ पे पानी वगैरह ना अगर खारा पानी है और उसके अंदर कुछ भी आ रहा है तो इसमें सोल्ट डाला जाता है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। इससे जो है वाटर है जो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जैसे अगर आप लोग हाथ में टच करोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे क्रीमी है। क्रीमी है, हाँ। वो फिर उससे कई बार मैं, क्योंकि यहाँ पे ना नया नया जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो मैं लोगों के ना मैं बहुत लोगों के देखा कि जैसे काई जमती है ना हरी रंग की, वैसे उनके दांतों में जमने लग गया, तो मुझे उसी से पता लग गया। वो बाथरूम में भी अगर आप ये यूज नहीं करोगे ना तो जो बाथरूम है ना वो पीला होने लगेगा सब जगह पे। तो ये है लिविंग रूम, और इसी के साथ अटैच है यहाँ पर किचन। तो किचन भी मेरे को यार बहुत अच्छा लगा, किचन में आपने यहाँ पे बाहर चेयर लगाई हुई है आइलैंड पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम साफ सुथरा। तो यहाँ पे भैया हम लोग खा रहे हैं पराठे। किस चीज के पराठे हैं? पराठे। अच्छा, आंटी जी ने बनाए हैं ना? तो आंटी आपको कैसा लग रहा है अमेरिका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। लास्ट ईयर आई थी, पहले मेरा मन नहीं लगा, तो इस बार तो लग गया मेरा मन, क्योंकि ना घर भी ले लिया। हाँ, घर भी ले लिया है, तो इसीलिए चलो मनप्रीत के साथ अब मेरा मन लग रहा है। मैंने वही मनप्रीत को बोला था कि किराए पे रहने में और खुद का घर होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये यहाँ पे आपका अच्छा खासा मन लग गया, यहाँ वही है ना, खुद का घर होता है तो लगता है कि कुछ भी करो कोई टेंशन ही नहीं है। हो गया नीचे का व्यू जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, सारा का सारा बैकयार्ड है हमारा। ये सारा अपना ही है, तो ये है बैकयार्ड, वहाँ तक जो ग्रास कटिंग है ये अपनी ही है पूरी। तो ये जो भाई बता रहे हैं ना, ये इनका अपना एरिया है। जैसे उधर सामने वाला घर देखोगे ना तो उन्होंने फिंस लगाई हुई है अपने एरिया के अंदर, तो अगर आप फिंस लगाना चाहो तो आप फिंस लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी खुला अच्छा लगता है। ज्यादातर लोगों के पास डॉग या वो कैट वगैरह होते हैं ना, तो वो फिंस लगा देते हैं कि बाहर ना जाए। तो ये भाई का रूम है यार, ये तो बहुत बड़ा रूम है, और यहाँ पे किंग साइज बेड लगाया हुआ है भाई ने। सेम ही है जैसे मम्मी का है। हाँ, अच्छा खुद अकेला सोता है किंग साइज बेड पे है। देखो कोई बात नहीं, अगले साल क्या पता शादी हो जाए। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही। थैंक यू भाई। तो कौन से इंडियन से कर रहे हो शादी या इंडियन से? या। क्या वो अमेरिकन पसंद नहीं आई? नहीं, जहाँ पे भी जाओ इंडियन। तो ये देख लो भाई का, ये बाथरूम है और ये यहाँ पे टॉयलेट हो गया। ये मेरे को सही लगा, टॉयलेट के लिए डोर है अलग से,
और ये वॉकिंग क्लोजेट है भाई, वॉकिंग क्लोजेट तो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है इन्होंने रूम के जितना। भाई कैसा लग रहा है अमेरिका में इंडियन अपनी बाइक चलाते हुए? साल बाद चला रहा हूं मैं बाइक। सही में? 7 साल। और वो भी रॉयल इनफील्ड? वो बैठे हैं, हमारे इधर इंडियन भी बहुत है। अच्छा भाई ये देखो यहाँ पे अपने सरदार जी घूम रहे हैं, तो जैसे मनप्रीत ने बताया था यहाँ पे काफी इंडियन लोग हैं। अच्छा ये भी इंडियन का घर है, ये घर है, ये घर छोड़ के फिर दूसरा इंडियन का घर है। अच्छा जैसे ये यहाँ पे जो है वो भी इंडियन ही रहते हैं पूरी कम्युनिटी। तो हम लोगों ने जो मोटरसाइकिल पे आप लोगों को पूरा नेबरहुड दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये दूसरे नेबरहुड में जहाँ पे मनप्रीत के फ्रेंड्स रहते हैं। लवी और भाई का नाम मोंटी। कौंटी। तो कौंटी और भाई कहाँ से? पंजाब से ही हो आप दोनों ही? अंबाले से। अंबाला? एक अंबाले से एक जलंधर से। अच्छा अंबाला और जलंधर दोनों जगह गया हूँ मैं। तो अभी भाई के पास है ना इंडिया के अंदर 2 बुलेट है, तो भाई ने रॉयल इनफील्ड देखी तो रुका नहीं गया, भाई से कहा कि भाई चक्कर मार के आता हूँ मैं। और ये जो दोनों घर है ना ये इन भाइयों के हैं। ये आपका घर है? वो मेरा ही पते हो। आप क्या करते हैं? हमारे दोनों की अपनी ट्रांसपोर्ट है। अच्छा ट्रांसपोर्ट कंपनी आप चलाते हो दोनों? अच्छा तभी आप लोगों ने साथ साथ में घर लिए हुए हैं? 13 साल हो गए हमको साथ में। अच्छा यहाँ अमेरिका में 13 साल हो गए? जब आए थे जब आप ट्रक चला रहे थे, अब आप अपनी कंपनी चला रहे हो? पंजाब से हैं, मैं हरियाणा से। अच्छा तो यही मिले थे 13 साल जब अमेरिका में आए थे, तभी से साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते थे, साथ में दौड़ जाते थे काम से। अच्छा अच्छा तो अब इस घर में है? हाँ वही इस घर में है। अच्छा मतलब सेम है यू नो, चम्मच चम्मच छुरी काटा कोई किचन का लगा लो, मॉडल लगा लो, मैप पूरा पूरा सब कुछ सेम, बेड लगा लो सब, मतलब सब हमेशा 2 चीज लेते हो आप लोग हैं? 2 चीज। अच्छा ये हमारी गाड़ी है। अच्छा ये भी हमारी दोनों की है। अच्छा दोनों ने एक गाड़ी ले ली? एक चीज में हमारा हाफ है। अच्छा जो मशीन है उसमें भी हमारा आता है। अच्छा कि घास काटनी है तो सब में हम एक ही एक चीज लेते हैं। शादी अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप लोग दोस्त कैसे बने थे, जब अमेरिका आने के बाद या इंडिया से दोस्त थे? नहीं अमेरिका आ रहे हैं। अमेरिका आने के बाद दोस्त बने? ये पंजाब, मैं कभी पंजाब गया नहीं। अच्छा तो यहाँ पे मिले फिर उससे बाद दोस्ती बढ़ गई। 13 साल पता नहीं लगा कब निकल गए। सॉरी आप लोगों को थोड़ी आवाज आ रही होगी, जो सामने घर में अंकल है ना वो अपना ब्लोवर चला रहे हैं। बाबल मिश्रा है, वाइट बाल है ना। तो अभी मैंने हेलमेट पहन लिया था, मैंने सोचा यार वीडियो को एंड तो मैंने किया नहीं है, तो टाइम आ गया, अभी सबको बाय वगैरह मैं कर चुका हूँ, दोबारे कर रहा हूँ वीडियो में। आंटी जी चलो कैमरे के लिए बाय कर रहा हूँ अब। चलो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।